मैजिक पेंसिल, हम हर साल की तरह इस साल भी पिकनिक पे जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा। मुझे तो पिकनिक पे जाने का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इस बार ना डबल मजा आने वाला है, क्योंकि तुम भी मेरे साथ जो हो। जग्गू। हेलो आशु। हाय जग्गू, तेरी तैयारी हो गई? मैं पिकनिक पे नहीं आ रहा हूँ। क्यों? मैं ना मेरी मौसी के एंगेजमेंट में जा रहा हूँ। उनकी ना अचानक से सगाई का प्लान बन गया है। चल कोई बात नहीं, तू वहाँ पर जाकर एंजॉय कर, तेरे आने के बाद मिलेंगे। हाँ। वैसे तू भी आता तो बहुत मजा आता। हाँ। आकर ना पिज्जा पार्टी करेंगे। ओके, चल बाय। बाय। मैजिक पेंसिल, जग्गू नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, तुम तो मेरे साथ हो ना। मैजिक पेंसिल, मुझे पिकनिक के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए, क्या तुम मुझे लाकर दे सकती हो? थैंक यू मैजिक पेंसिल, फिलहाल के लिए इतना काफी है। मुझे अगर कुछ और लगेगा तो तुम तो मेरे साथ हो ही। ब्रेकिंग न्यूज, शहर से बच्चे हो रहे हैं गायब। बच्चों को कौन किडनैप कर रहा है इसका पता पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई है। कुछ सीसीटीवी कैमरास में बच्चों को कोई किडनैप करते हुए दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक साया जैसा ही नजर आ रहा है, इसलिए पुलिस को किडनैपर को पकड़ने में दिक्कत आ रही है। आज सुबह किडनैपर्स ने पुलिस को एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने किडनैप किए बच्चों की सूची जारी की है, लेकिन इस चिट्ठी में फिरौती की मांग नहीं की गई है। आशु बेटा, न्यूज देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है, और कल तुम पिकनिक पे भी जा रहे हो। मम्मी आप टेंशन मत लो, हमारे साथ हमारे टीचर्स भी जा रहे हैं, वो हमारा ख्याल रखेंगे। ठीक है बेटा, अब सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी भी तो उठना है। ठीक है मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अरे आशु। हाँ। अपना बैग क्यों पकड़ के रखा है, कहीं नहीं भागने वाला? इसमें ना मैं क्या मतलब मजेदार खाना है, तो पैर के नीचे नहीं रख सकता ना, पैर लग जाएंगे। आई एम कम्फर्टेबल। हाँ ओके ओके। स्टूडेंट्स, गाड़ी यहाँ 15 मिनट रुकेगी, किसी को फ्रेश होना है या कुछ खाना है तो जल्दी जाके आ सकता है। इधर उधर मत जाना वरना बस। जगह तो बड़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पर ना फोटोज खिंचवा लेता हूँ। टीटू, ये तो मेरी फोटोज खींचने से रहा। मोनू, मेरी फोटो। सारे सेल्फीज खींचने में बिजी हैं, लगता है मुझे भी सेल्फी खींचनी पड़ेगी, कोई तो मेरी फोटोज खींचेगा भी नहीं। मैजिक पेंसिल, देखो कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है ना मैजिक पेंसिल। ये मैं चलते चलते कहाँ आ गया हूँ, और 30 मिनट हो गए। अरे बस तो सिर्फ 15 मिनट रुकने वाली थी, यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं है। टीचर को फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं मैं कहाँ से आया था। मैं यहाँ से आया था कि यहाँ, सिग्नल मिल जा, सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। किसी को मदद के लिए कैसे बुलाऊं? मैजिक पेंसिल अब क्या करें, मुझे तो रास्ता भी याद नहीं आ रहा है कि मैं कहां से आया था।
बहुत थक गया हूँ। शायद मेन रोड पास में हो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैजिक पेंसिल की हम कहाँ हैं। बहुत भूख लगी है मैजिक पेंसिल, प्लीज मेरे दाल चावल और सब्जी ले आओ। थैंक यू मैजिक पेंसिल। अभी तक सिग्नल नहीं आए इसमें। अगर टीचर्स मम्मी पापा फोन कर रहे होंगे ना मुझे, तो लगेगा कैसे, सिग्नल ही नहीं है यहाँ पे। थोड़ा और आगे तक चल लेता हूँ, क्या पता मुझे मेन रोड मिल जाए। अगर मुझे मेन रोड नहीं मिली ना, तो मैजिक पेंसिल की मदद से टेंट और बेड बना लूंगा। अरे बेटा, रास्ता भटक गए हो क्या? आप कौन? सब मुझे प्यार से ग्रैनी बोलते हैं। तुम भी मुझे ग्रैनी बोल सकते हो। बेटा, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ग्रैनी, मैं ना मुंबई से आया हूँ। मैं ना अपनी पूरी टीम के साथ पिकनिक के लिए निकला था, लेकिन मैं ना फोटो खींचने के चक्कर में अपना रास्ता ही भटक गया। घबराओ मत बेटा, ग्रैनी है ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगी। थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। ओके। मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगी। यानी कि वो बूढ़ी औरत जिसने मुझे उसे ग्रैनी बोलने के लिए कहा था, वो मुझे यहाँ पर किडनैप कर लेकर आई है। मेरा बैग कहाँ है? बिना मैजिक पेंसिल के मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊंगा? मैजिक पेंसिल, तुम कहाँ हो? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि मैं कहां हूं। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है। पता नहीं आदमी कौन था, दिखने में कितना खतरनाक लग रहा था। मैजिक पेंसिल, तुम कहाँ हो? आशु, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैजिक पेंसिल, तुम कहाँ हो? आशु, मैं ऊपर वाले जेल रूम में हूँ और मैं इसी घर में हूँ। लेकिन मैजिक पेंसिल, तुम अपनी मैजिक पावर्स की मदद से मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज होने के कारण मैं अपनी मैजिक पावर्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, पर जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तब मैं अपनी मैजिक पावर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाऊंगी। लेकिन मुझे यहाँ मिल रही थोड़ी मैजिक पावर्स से मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से तुम मुझे यहाँ से आजाद कर सकते हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ऊपर वाले कमरे में जाओ, वहाँ वो बूढ़ा आदमी सो रहा है, उसके गले में सिक्योरिटी की है।
जिसकी मदद से तुम सिक्योरिटी रूम खोल पाओगे। ठीक है मैजिक पेंसिल, मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ। ऑल द बेस्ट आशु। इससे पहले वो बूढ़ा आदमी उठ जाए, जल्दी से उसके गले से चाबी निकाल लो। मैजिक पेंसिल, तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ आशु, मैं तुम्हें सुन पा रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे पास पहुँच पाऊँगा। ये दोनों तो बहुत ही ताकतवर हैं। तुमने देखा ना उस औरत ने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाबी वहीं पड़ी है जहाँ वो तुम्हारे हाथ से गिरी थी। अब तुम जल्दी से उस चाबी को लेकर सीढ़ियों के रास्ते ऊपर वाले फ्लोर में आ जाओ। ठीक है मैजिक पेंसिल। आज किडनैपिंग का एक और मामला सामने आया है। आशु नाम का लड़का जो कि पिकनिक के लिए गया था, वो भी किडनैपर्स द्वारा अगवा कर लिया गया है। ये जानकारी खुद किडनैपर्स ने जारी की है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी किडनैपर्स का कुछ पता नहीं लग पाया है। देखते हैं पुलिस कब तक किडनैपर्स का पता लगा पाती है। मैजिक पेंसिल, कौन सा वाला रूम है? तुम्हें सामने लगे शेल्फ के पास सफेद डोर दिख रहा है? हाँ। वो सिक्योरिटी रूम है, उसे जल्दी जाकर खोलो। मैंने दरवाजा खोल दिया है मैजिक पेंसिल, अब आशु पीछे जो लाल दीवार है उसमें एक सुरंग है, वहाँ पे तुम्हें कटिंग प्लायर्स मिलेंगे, उसे जल्दी लेकर आओ। जल्दी से इस पेंटिंग को हटाओ। लेकिन मैजिक पेंसिल, इस पेंटिंग के पीछे क्या होगा? इसके पीछे एक रेड वायर है जिसको काटकर तुम मेन डोर से इलेक्ट्रिसिटी करंट को बंद कर पाओगे। अब कटिंग प्लायर्स की मदद से इस वायर को काटो। इस कटिंग प्लायर्स को तुम यहीं रख दो, अंदर रूम में जाकर वेपन की ले लो और नीचे जाकर शॉटगन लेकर आओ। लेकिन शॉटगन का क्या काम है? शॉटगन की मदद से यहाँ पर लाल बटन पर शूट करके तुम जेल रूम खोल पाओगे। हाँ यही है वेपन की। अब इस वेंट को खोलो और इससे कूदकर नीचे बाथरूम में चले जाओ। तुम्हें वहाँ स्लेंडरिनास डायरी दिखाई दे रही है? हाँ। उसे तुम बाहर खींचो, उसकी मदद से तुम सीक्रेट क्लोजेट खोल पाओगे, उसी में है वेपन सेफ।
मैं आ गया हूँ मैजिक पेंसिल, तुम कहाँ हो? आशु, मैं जेल रूम के अंदर हूँ। अब तुम हाँ? जल्दी से शॉटगन की मदद से इस लाल बटन पर शूट करो ताकि जेल रूम खुल जाए। अब जल्दी से कटिंग प्लायर्स की मदद से इस कॉफिन को खोलो। मैजिक पेंसिल। थैंक यू आशु। चलो अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हाँ चलो। मैजिक पेंसिल, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अब जल्दी से तुम स्टन गन बनाओ। स्टन गन कैसी होती है मुझे नहीं पता। तुम जल्दी से ड्राइंग फाइल निकालो, मैं खुद ही स्टन गन को ड्रॉ कर लूंगी। अरे वाह। अब मैजिक पेंसिल, अब जल्दी से हमें मेन डोर तक पहुंचना है ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। ठीक है मैजिक पेंसिल, चलो। अब फाइनली हम आजाद हैं, थैंक गॉड। बचाओ बचाओ, वो तो बचाओ का पत्ता है। हमें ऐसा नहीं पता था क्या यहाँ पे ऐसे कोई कर ले। मैजिक पेंसिल, ये कैसी आवाज आ रही है? इस बूढ़े जोड़े ने जिन बाकी बच्चों को किडनैप किया है शायद ये उनकी आवाज है। अब जल्दी से हम उन बच्चों को यहाँ से आजाद करते हैं और उन सबके साथ यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो। थैंक यू माय मैजिक पेंसिल, आज तुम्हारी वजह से मैं और सारे बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच पाए हैं। अगर तुम ना होती तो हम सब वहीं फंसे रह जाते और किसी को कभी पता नहीं चलता कि हम लोग कहाँ हैं। और वो बुजुर्ग जोड़ा कितना खतरनाक और बेरहम था, काश हम उनको सबक सिखा पाते। लेकिन वहां से बाहर निकलना भी तो जरूरी था, पर थैंक गॉड कि हम लोग सुरक्षित हैं और उनके चंगुल से बाहर हैं। ये सब तुम्हारी वजह से मैजिक पेंसिल, थैंक यू सो मच। आशु, मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगी और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आई लव यू माय मैजिक पेंसिल। हाय गाइस, मुझे हमेशा ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पर आकर बहुत मजा आता है। तो फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।